उसको बेच दिया। 1,34,350 रुपए 5 बहत्तर का है। इसका वजन आपको है नॉर्मली किसी भी शॉप पे ऐसे मिलेगा नहीं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज माही। कैसे आप सब लोग, उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक्सप्लोर करने जा रही हूँ तनिष्क स्टोर, जो कि है जनकपुरी उत्तम नगर दिल्ली में, जहाँ मैं रहती हूँ। उसके पास में रहती हूँ। एक तो 3 मेट्रो स्टेशन के बाद मेरा घर आ जाता है, मतलब मेरा ब्लेज आ जाता है। आज मैं जा रही हूँ अपनी टूटी हुई चेन को लेकर। मैंने गुस्से में रात अपनी चेन तोड़ दी थी, ठीक है, किसी बात को लेके। उसके बाद मैंने अपनी रिंग विंग सब, लेकिन रिंग तो नहीं टूटी, सिर्फ चेन टूट गई। तो मैंने सोचा आप क्या ही कर सकते हैं, इसको लेके जाते हैं स्टोर पे, इसको बेच देते हैं। मैं सोच भी रही थी कि मैं कुछ तो बेच दूँ, तो मैंने मेरे को रीजन मिल गया, तो मैंने वो तनिष्क पे जाके मेल्ट करवा ली, उसका प्राइस ले लिया, तो मेरी अच्छी प्राइस में चली गई। उसके बाद मैंने अपनी रिंग ले ली वहीं से, उसमें थोड़े से पैसे और डाल के, और मैं बहुत खुश हूँ। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, पूरा एक्सप्लोर करूंगी मैं आज आपको तनिष्क स्टोर पे, जो जो नई चीज़ें आ रखी होंगी वो सब दिखाऊंगी आपको। तो इफ यू आर न्यू टू माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। और हॉल वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ हम तनिष्क पे जाएंगे, चीज़ें एक्सचेंज करेंगे, और वहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी, बैंगल्स और रिंग्स। देखो चेंज घर जाके हो जाते हैं, एड्रेस चेंज कर दो। अरे बताओ बिल तो खो ही जाएगा ना घर जाके, बिल हो जाएगा, मेरे को एड्रेस चेंज करना है। एड्रेस चेंज कर दो आप। तो भाई मैं आज अपने लिए परचेज़ करने वाली हूँ एक गोल्ड रिंग, और रीज़न ये है कि चेन मैं डेली नहीं पहन पाती हूँ, क्योंकि मुझे और भी सारी ज्वेलरीज पहननी होती हैं। वही रीज़न है कि मैं रिंग पे ज़्यादा जाती हूँ। तो आज हम देखेंगे ये, इसको क्या बोलते हैं, कौन सी रिंग में आता है? ये बैंड है, सिंपल बैंड, सिंपल बैंड, छल्ला, वो तो गांव वाली भाषा हो गई, छल्ला। ये बैंड रिंग्स, ये देखना, ये थोड़ा ऐसा ही लग रहा है। कहाँ खुर्जा का? वो तो खुर्जा का है, नवादा रहते हो ना आप? दिखा दो। डायमंड में देखना, वही मैंने ना सारी रिंग ले ली है, मतलब ऑलमोस्ट सारा कुछ डिजाइन है मेरे पास, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि मेरे को छल्ला ही चाहिए। साइज मैम ठीक है ना? देन आई डिसाइडेड टू सम बैंगल्स, तो मैं यहाँ पे बैंगल पिक्चर रिसर्च कर रही हूँ फॉर ब्राइडल्स। जनकपुरी मेट्रो स्टेशन के पास ही आता ना ये, गोल्ड की ना अलग ही चमक होती है, आराम से वेयर कर सकते हो रेगुलर। तो जो हमने ये हैंडमेड होते हैं, ये हैंडमेड है, और ये मशीन मेड होते हैं, ये होते हैं रफ एंड टफ यूज। ये चीज़ ये है कि आप थोड़ी देर पार्टी अटेंड करी, आपने फंक्शन में गए तो वहाँ वेयर कर लिया, ये चीज़ होता है। आप रफ एंड टफ घर में भी यूज़ कर सकते हो, बाहर भी यूज़ कर सकते हो। प्राइस की हम अप्रॉक्स बात करें तो प्राइस में आपको बता सकते हैं, 1-1.5 लाख एक्सेप्ट, ये आपको मिलेगा 240 के आसपास। इसमें मेकिंग चार्ज कितना होगा? 50% कम है। मैंने अभी रिसेंटली ब्रेसलेट लिया था 80,000 का, उसमें 15% मेकिंग चार्ज। वो तो है, अब जैसे ये वाला आप जो देखते हो उसमें 16% है, 16% डिजाइनिंग भी है। अब जो प्लेन चीज़ आप ब्रेसलेट लेते हो तो जैसे उसमें प्लेन ही होता है, अब उसमें सारा डिज़ाइनिंग का काम। ये आपके 82 ग्राम्स का है, इस पर आपका कुंदन वर्क हुआ है रेड एंड ग्रीन के साथ, जो आप ये स्टोन देख रहे हो ये सारे कुंदन वर्क के साथ है, और जो आप साइड देख रहे हो, और ये आपका एंटिक वर्क में है ना, ये हैंडमेड है, ये हैंडमेड है, ये वो स्टाइल है जैसे रजवाड़ा स्टाइल जो पहले चल रहा था, ये वो पैटर्न आ जाएगा। ये एंटिक में ना, एंटिक में है ना, रजवाड़ों वाले मिनिमम। एक बार प्राइस बता। मैं कह रही हूँ मैं पहली बार सेटिस्फाई हुई हूँ तनिष से। कारण यही है, मैंने कुछ भी सेल किया है वो मतलब मुझे उतना वो नहीं मिला, और इतने अच्छे मुझे अटेंड करने वाले मिले। लास्ट टाइम में मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस था, मैंने शेयर भी करा अपने ब्लॉग में, आप बता नहीं सकते। यहीं पे है वो। नाम बताइए। ये मैम आपका 571 600, 571 572 के आसपास। 5 बहत्तर का है। इसका वजन आपको है टोटल वजन 7.25 तोले, 72 ग्राम 200 मिली, जो इसका वेट गोल्ड वेट है, बाकी इसमें लेयर कुंदन जो लगा है सारा वेट।
34,350 रुपये मेकिंग। हाँ जी, और 14,256 रुपए के इसमें कुंदन स्टोन की वैल्यू है, जो आपको फुल वैल्यू एक्सचेंज है फ्यूचर में। ओके। और पार्टी वेयर कलेक्शन है ये 18 कैरेट में है, डेली पहन सकते हो इसको आप, सॉलिड चीज़ है ये। डेली में फिर इसमें मार्क वगैरह भी तो आ जाते ना? नहीं आएगा मार्क, पर क्या आएगा? मेरा ब्रेसलेट ना थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उसको मैं क्या करूँ? यहीं से कितना खर्चा उसमें मानो? कितना खर्चा उसमें मानो? ये देखो ये 10 ग्राम का सिंगल बैंगल है, 22 कैरेट में हैंडमेड या मशीन? ये सिंगल है जो कि अप्रॉक्स ये वाला आपको 73,000 का है, 73,000 का ही है। 73। और ये वाला है आपको देखो बारकोड को बोलो, लिखो 510-228-228। देख रहे स्पीड, देख रहे लोग स्पीड, सेकंडों में रेट निकाल लेंगे, मतलब आई लाइक दिस प्रोसेस। ए ए ए ए फॉर एप्पल 00 एंटर मारो, आई लव दिस एनर्जी। और मैंने इतनी देर में काफ़ी सारे बैंगल्स देख लिए और मुझे काफ़ी अच्छे लगे, अगर आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं। मैं हूँ फ्लाइल जनकपुरी, जनकपुरी मेट्रो स्टेशन उत्तम नगर दिल्ली, क्योंकि मैं 2 महीने से पिछले जब से मैं शिफ्ट किया है ना तब से मैं यहीं से गोल्ड बाय कर रही हूँ। हम यहाँ पे ये 22 कैरेट में है, ये यूफिलो प्रोडक्ट है। अब इसका आप मेरे को ब्रेकअप पूछोगे, ब्रेकअप नहीं है ये 22 कैरेट में। पहन के देखो जरा एक बार, एंड देन यहाँ बैंगल देखते देखते हमारी चल रही है कॉफी। सुंदर बहुत लगता है इसका डिजाइन, मतलब ये डिजाइन आपको नॉर्मली किसी भी शॉप पे ऐसे मिलेगा नहीं, ये पूरा इटालियन डिजाइन है। यहाँ डेली में अगर हम इसको यूज करेंगे स्क्रैच वगैरह कलर, देखिए मैम स्क्रैचिंग वगैरह हल्का बहुत थोड़ा बहुत 2 लाख। अब इसकी जो टोटल बेस प्राइस है ना वो है 2,02,135 रुपए और इसमें 3% GST है, इसके अलावा इसका कोई ब्रेकअप नहीं है, कोई ब्रेकअप नहीं है। रिटर्न करेंगे तो 1 लाख, रिटर्न करोगे तो 2,08,199 का नहीं 2,02,135 रुपए का आपको 70% एक्सचेंज मिलेगा और 60% कैश मिलेगा, ऐसा कुछ। ये तो उतना ज़्यादा भी लॉस वही है। सो भाई आज का मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, जब मैं घर से आई थी तब मेरा मूड बिल्कुल ऑफ था, मतलब बस मैं जा रही थी कि हाँ जाना है, चैन वापस करनी है, कुछ नया लेना है, बट उतना ज़्यादा हैपनिंग नहीं था। बट यहाँ पर आके मैं सर से मिली एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट, राहुल सोनी जी से मिली एंड देन मैम से मिली, उसके बाद आई एम वेरी वेरी हैप्पी और मेरी चीज़ भी एक्सचेंज हो गई, मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी मिली और मैंने रिंग भी ले ली अपने लिए, और जिनके लिए मेरे पास रिंग के बॉक्स मम्मी के घर पे रह गए मेरे पास यहाँ नहीं है, मुझे इनका हॉल वीडियो करना था तो मुझे बॉक्स भी मिल गए। ऑलमोस्ट मैं इतनी खुश हूँ जाके वीडियो बनाने हैं, अभी मिलूँगी मैं अभी घर जाके। तो ये हमारी रिंग जो हमने आज ली है, भाई तनिष से निकलने के बाद हम आ गए हैं ऑटो में और हमें थैला लेके जा रहे हैं घर, और आज मेरा दिन बहुत अच्छा गया तनिष की तरफ से। लास्ट टाइम मैं बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से डिसअपॉइंटेड हो गई थी, मैंने सोच लिया था मैं कभी यहाँ पर नहीं आऊँगी, बट कल रात मेरी चेन टूट गई, देन मैं चेन को रिटर्न करने आई थी, लेकिन मैं तनिष को ठग लाई, बट ऐसा है नहीं, ये सब मेरी गर्लफ्रेंड है। तो मेरे पास ये वाला फ़ोन पकड़ना, एक मिनट मैं दिखाती हूँ, फ़ोन पकड़ो, वो चेन नहीं टूट गई थी रात, मैं उसको बेच दिया, और फिर बेचने के बाद मैंने एक रिंग ले ली, ये रिंग का बॉक्स ले लिया मैंने एक उनसे, एक ये ले लिया और एक दो, और ये इयररिंग्स के लिए ले लिया 3, और इसमें हमारे देंगे 4, एंड देन एक ये ले लिया 5 बॉक्स ले लिए मैंने, और अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी है वहाँ पे रखी है, वो मैं आपको मेरे फेस पे लाऊँ ना यार,
तो मैं तनेज गई और मैं वहाँ से बहुत सारी चीजें लेके आई हूँ, वो मैं आपके साथ आज इस वीडियो में शेयर नहीं करूंगी। मैंने आज आपके साथ शेयर करा तनेज की रिंग की डिजाइंस, प्राइस, और उसी के साथ साथ मैंने कुछ आपको बैंगल्स भी दिखाए थे जिन जो राजस्थानी लुक के हैं या फिर सिंगल ब्रेसलेट है, उनकी प्राइस भी बताए थे। अगर आप चाहें तो वहाँ जनकपुरी स्टोर पे जाके विजिट कर सकते हो अगर आप दिल्ली से हो तो, क्योंकि मुझे वहाँ का स्टाफ इस बार अच्छा लगा, पहले नहीं था। ऐसा होता है कभी कभी अलग अलग गलत गलत इंसान मिल जाते हैं, इसलिए सबको गलत नहीं बोल सकते, ठीक है। तो आज मेरा जो डे था वो बहुत ही अच्छा था। मैं यहाँ से गई थी एकदम डीमोटिवेटेड थी, मेरे चेहरे पे कोई स्माइल नहीं थी, और मुझे कई लोगों ने बोल भी दिया कि वीडियो में थोड़ा हंस लिया कर, थोड़ा स्माइल कर लिया कर, सीरियस रहती है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। बड़ा मैं कोशिश कर रही हूँ, इस चीज़ पर ध्यान दे रही हूँ। तो आज मैंने जाके वहाँ बहुत सारी बातें की, उनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी ली कि मुझे इसका प्राइस बता दो, इसका इतना कैसे होता है, इससे वैसे कैसे होता है, सारा कुछ पूछा। वो सब चीज़ें आपको मेरी हॉल वीडियो में देखने को मिलेंगी, तो हॉल वीडियो में जल्दी ही लाऊंगी। अगर आप देखना चाहो तो प्लीज़ कमेंट कर देना, जिसे मेरा ऑल ओवर तनिष से खरीदा हुआ गोल्ड मैं आपको दिखाऊंगी। सो बाय बाय, सी यू सून। ये ब्लॉग यहीं पर ख़त्म होता है।